दोस्तों रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ के कार्यकाल के अंदर भाई टीम इंडिया ने कुछ सीखा हो या फिर ना सीखा हो, लेकिन एक चीज जो टीम इंडिया ने सीखी है वो है भाई स्टे इन प्रेजेंट। आपके पास ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप प्रेजेंट में रहिए और जो आपके पास मौजूद है उसी चीज के ऊपर फोकस करिए, जो चीज नहीं है उसके बारे में आप मत सोचिए। तो भाई ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत बार रोहित शर्मा ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर। जब भी भाई रोहित शर्मा माइक फेस करते थे, कैमरा फेस करते थे, तो भाई कुछ ऐसा ही हुआ एशिया कप 2023 की स्क्वाड सिलेक्शन के बाद, जहां पर भाई बहुत सारे खिलाड़ी को सिलेक्ट किया गया, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे थे फैंस की फेवरेट, लेकिन जिनको मानना था कि भाई हाँ इस खिलाड़ी का भी चयन होना चाहिए था। तो उसमें से एक खिलाड़ी थे रविचंद्रन अश्विन, एक खिलाड़ी थे भाई युजवेंद्र चहल। तो भाई इसी के बीच जब इन दोनों के लिए भाई सवाल पूछा गया इंडियन लेजेंड सुनील गावस्कर से, तो भाई सुनील गावस्कर थोड़े से भड़क उठे, थोड़े से नाराज हो गए। और भाई क्यों भड़के सुनील गावस्कर, पूरी वजह क्या थी, क्या कहा सुनील गावस्कर ने, आइए जानते। भाई सुनील गावस्कर ने इन खिलाड़ियों के लिए कहा, स्पेशली अश्विन के लिए क्या जो कि सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, उनके लिए कहा कि हाँ कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो मानेंगे कि वे भाग्यशाली है, लेकिन टीम का चयन हो चुका है, इसके लिए अश्विन के बारे में बात मत करो, विवाद पैदा करना बंद करो, यह हमारी टीम है, यदि आपको यह पसंद नहीं है तो आप मैच मत देखिए, लेकिन यह कहना बंद करें कि उसे चुना जाना चाहिए था, किसी और को होना चाहिए था, यह गलत मानसिकता है। यानी कि भाई जो है यही है, आप ये मत कहो कि भाई उस खिलाड़ी को होना चाहिए था, इस खिलाड़ी को गलत चुन लिया गया, ये गलत मानसिकता है, ये नेगेटिविटी फैलाता है। और अगर आपको टीम नहीं पसंद है एशिया कप 2023 की तो आप मैच मत देखिए। तो भाई ऐसा कहना है सुनील गावस्कर का, थोड़े से भाई अश्विन के सवाल पर क्यों बढ़ के, ये थोड़ा समझ से परे है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि भाई जो है यही है, आप इसी के साथ आप इस साथ खुश रहिए, आप यही आपको टीम जिताएगी वर्ल्ड कप, यही आपको टीम एशिया कप 2023 जिताएगी। तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यही प्रेजेंट टीम है, तिलक वर्मा, युजवेंद्र चहल जो भी है यही चेहरे हैं, युजवेंद्र चहल बाहर हैं, रविचंद्रन अश्विन बाहर हैं, इनको मौका नहीं मिला। लेकिन भाई एक चीज़ रोहित शर्मा ने भी बोली थी, अभी किसी के लिए भी वर्ल्ड कप 2023 के दरवाजे बंद नहीं है, ना ही शिखर धवन के लिए, अब ना ही युजवेंद्र चहल के लिए, ना ही अश्विन के लिए। अब देखने वाली बात होगी इन तीनों में से जो पुराना दिग्गज है टीम इंडिया का, कौन सा दिग्गज वर्ल्ड कप 2023 के अंदर टीम के अंदर वापसी करेगा। एशिया कप 2023 में मौका नहीं मिला, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर कौन सा दिग्गज वापसी करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना।